Welcome to Bind EduTech, and as you can see, we are in the concluding part of the chapter that we were going through. We are not afraid to dive if we can all be together. ये पूरा टेक्स्ट बुक से, ये जो टेक्स्ट बुक का पार्ट आपके सामने है, तो हम लोग इस पार्ट तक, यहाँ तक कर लिए थे. बैटलशिप ये वर्ड तक हम लोग पिछले क्लास में किए थे. ये बैटलशिप, और ये जिस सेंटेंस में यूज़ हुआ था उसमें जो नरेटर हैं उनके दोनों चिल्ड्रन आते हैं उनके पास बेडरूम. वो बेड पे थे और वो 2 बजे के बाद बेड पे आए थे एक इंस्ट्रक्शन दे के आए थे लैरी को कि 185 डिग्री जहाज़ को मोड़ो और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम लोग 5 बजे पहुंच जाएंगे आइलैंड, एम्स्टरडैम आइलैंड. ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो भारी मन से क्यों, क्योंकि एक्चुअली में उनको ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो लोग अब इस स्ट्रगल से, अब इस संघर्ष से बच के निकल पाएंगे. इसका उनको अब मतलब कि ज़रा भी चांस नहीं लग रहा था सब चीज़ को देखते हुए. पर उन्होंने किसी को ये बताया नहीं और एक भारी बोझिल मन से वो अपने बेड पे जाते हैं और सरप्राइजिंगली उनको नींद आ जाती है. ठीक है, और उसके बाद वो सीधे उठते हैं 6 बजे. अब 6 बजे जब उठते हैं तो सोचते हैं कि अब तो हम लोग आइलैंड को निश्चित रूप से क्रॉस कर गए होंगे. और बैक जाना, वापस जाना उनके लिए अब संभव नहीं था क्योंकि जो हवाएं थी वो वेस्ट पार्ट से चल रही थी, और मतलब वेस्टर्न हवाएं चल रही थी, और इनको जाना था ईस्ट डायरेक्शन में. इनके पास प्रॉपर सेल भी नहीं था और इनके शिप का कंडीशन भी ये नहीं था कि वापस जा सके. तो और ज़्यादा हताश और निराश हो गए नरेटर. पहले से ही वो हताश हैं, वो निराश हो चुके हैं. एक तरह से बोले हैं कि उन्होंने उम्मीद खो दी थी कि अब नहीं हम लोग बच के निकल पाएंगे. लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और दोनों बच्चे आते हैं नरेटर के पास. नरेटर अपने बेड में सोया हुआ है. दोनों बच्चे नरेटर के पास आते हैं और वो दोनों बच्चे नरेटर को बेटा, वहाँ पे कुछ बातचीत हुआ था जोनाथन से अलग, सुजेन से अलग. तो वो बातचीत याद रखना बहुत ज़रूरी है जो हमने अपने एक जो नोट्स, जो एक्सप्लेनेशन नोट्स होता है वो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था. ये देखो कि उसके सन ने पूछा कि सीधे सीधे आ कर के और बात नहीं बोला गया. जैसे बेटा और बेटी दोनों आए उसके रूम में, तो नरेटर के रूम में नरेटर को फील हुआ जैसे
उनके बेड पर कोई आया है जो टसल्ड वर्ड यूज किया गया था, अनकॉम्ब्ड हेयर है उसके साथ, और वो लड़का उनका बेटा जोनाथन था, और वो फिर एक अजीब सा अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ देता है, इफ ही कुड गिव मी अ इफ आस्क मी इफ ही कुड गिव मी अ हग। अब ये सिचुएशन के अनुसार तो बड़ा उल्टा बात बोल रहा था उसका बेटा। अकॉर्डिंग टू द नरेटर दे आर नॉट गोइंग टू सस्टेन मोर टाइम इन दैट ओशियन। लेकिन बेटा आकर के बोलता है कि क्या आपको मैं हग कर लूं, गले लगा लूं? तो ऑब्वियसली नरेटर पूछते हैं कि क्यों, क्या बात है, किस मतलब को क्या स्पेशल बात है जो तुम मुझे गले लगाना चाहते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड टू गिव मी अ हग। वो उससे पूछते हैं कि क्यों तुम मुझे हग करना चाहते हो। तब उनका बेटा जो बोलता है वो, ये लाइन्स भी हम लोग देख चुके हैं, कि मैं आपको इसलिए हग करना चाहता हूँ क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं इन द होल्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके इस वर्ड को भी अभी तक समझ नहीं पाए थे नरेटर। तो नरेटर ने रिप्लाई किया दैट आई वॉज सॉरी, नरेटर ने सॉरी बोला और अपने बेटे से कहा, बट टुडे आई एम नॉट द बेस्ट। उसने अपने बेटे से कहा कि आज मैं ना तो बेस्ट फादर का कर्तव्य निभा पा रहा हूँ, ना तो बेस्ट कैप्टन का कर्तव्य निभा पा रहा हूँ, तो तुम क्यों मुझे बोल रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डैडी हूँ और सबसे अच्छा कैप्टन हूँ और तुम मुझे हग करना चाहते हो, जबकि सिचुएशन बहुत पैथेटिक था उस समय। तो वो पूछते हैं कि, वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे दुनिया का सबसे अच्छा डैडी और सबसे अच्छा कैप्टन मानते हो, पर अभी एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो न तो अपने फैमिली को बचा पा रहे थे, कितनी को भी कोशिश करके शिप को भी बचा नहीं पा रहे थे, तो न तो अच्छे फादर थे अपने मन से सोच रहे थे, और न तो अच्छे कैप्टन थे। लेकिन वो अच्छे फादर और अच्छे कैप्टन क्यों उनको कहा गया, ये उसके डॉटर ने उसको बताया। सुजेन ने, उसके डॉटर ने कहा, यहाँ देखो एक वर्ड है, अनइमोशनल वॉइस, मतलब जिसमें, जिस आवाज़ में कोई इमोशन ना हो, इमोशनल वॉइस। उसकी बेटी ने बोला कि आप ये जो फील करते हैं कि आज आप बेस्ट नहीं हैं, ये गलत है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। वो बोलती है, आई शुड फील दैट आई एम द बेस्ट, अपने फादर को बोलती है कि आपको, आपने अभी बोला ना कि बट टुडे आई एम नॉट द बेस्ट, कि आज मैं मतलब बेस्ट फादर और बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ, ये आपने गलत बोला। आपको ये फील करना चाहिए कि आप बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि
आपने वो आइलैंड ढूंढ लिया. यू फाउंड दैट आइलैंड. अब कौन सा आइलैंड? एम्स्टरडैम. ठीक है, वो आइलैंड आपने ढूंढ लिया. अब ये बड़ा चेंज, बड़ा धमाका था और नरेटर भी शॉक्ड रह गए और जोर से शाउट किया, व्हाट, तुम क्या बोल रही हो, आइलैंड ढूंढ लिया है? तब वो दोनों बच्चे एक ही आवाज़ में बोलते हैं कि दैट द आइलैंड वॉज इन फ्रंट ऑफ अस, कि वो आइलैंड हमारे शिप के बिल्कुल सामने है. और बोलते हैं इट वॉज लुकिंग लाइक अ बिग वॉरशिप, और आइलैंड को कंपेयर करते हैं एज वर्ड लगा करके एज बिग एज लाइक, जैसे टेक्स्ट बुक में ये यूज किया गया था एज बिग एज करके. वापस टेक्स्ट बुक में आते हैं, यहाँ देखो एज बिग एज अ बैटल शिप. ये तो बताते ही हैं कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया, इसीलिए आप बेस्ट फादर हो और बेस्ट कैप्टन हो. और फिर आइलैंड को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, ये सब कोई याद नहीं रखेगा. ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि वो आइलैंड की, दोनों बच्चे एक सुर में आइलैंड के बारे में क्या बताते हैं. अगर ये सवाल पूछ दे, वेरी शॉर्ट में ही रहे, वन सेंटेंस आंसर रहे, एक नंबर का क्वेश्चन रहे, कि दोनों बच्चे एक साथ अपने फादर को उस आइलैंड के बारे में बताते हैं और उस आइलैंड के बारे में, उसके शेप और साइज के बारे में क्या बोलते हैं, या वो आइलैंड को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं. तो आप बोलिएगा कि वो आइलैंड को बैटल शिप से कंपेयर करते हैं. अब बैटल शिप, ये वर्ड आया बैटल शिप, तो बैटल मतलब होता है लड़ाई, शिप मतलब होता है पानी जहाज. तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ बैटल शिप्स कैसे होते हैं उनके कुछ पिक्स मैं आपको दिखाऊंगा. तो कोशिश करता हूँ बैटल शिप्स, वैसे समझाया था मैंने, पर पिक्स देखिए एक दो, ये देख रहे हैं, ये है बैटल शिप, ये बैटल शिप है. अब बैटल शिप, बैटल के समय ऑब्वियसली यूज किया जाता है, और मैंने आपको बताया भी था कि वो कैरी करता है फाइटर प्लेन्स को. ये एक बैटल शिप हो गया, फिर और भी बैटल शिप, जैसे ये देखो, ये भी बैटल शिप है, देखो रॉकेट बैटल शिप से हमला हो रहा है, ये बैटल शिप है, ये बैटल शिप है, एक और शायद मिले बैटल शिप. वैसे इसमें जितने भी पिक्स हैं ये सारे पिक्स इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, और अगर पिक देख करके और आप अंदाज़ा लगा लें या याद कर आ जाए कि ये किस कब बताया गया था, तो आप समझिए कि पूरा चैप्टर आपने अच्छे से समझा है. ये मैंने बताया था वो एंगल नापने वाला जो ख़राब हो गया था, मेन कॉम्पास, तो ख़राब कॉम्पास से वो लोग यूज़ कर रहे थे. ये बैटल शिप, वॉरशिप, ठीक है. तो वो कैसा दिख रहा था आइलैंड में, आइलैंड कैसा दिख रहा था, तो दोनों बच्चे बताते हैं कि आइलैंड जो है वो बैटल शिप जैसा दिख रहा था, दिख रहा है. अब ये सुनने के बाद
नरेटर का रिएक्शन ऑब्वियस है. अगर आप सोचो तो ये सुनने के बाद नरेटर का रिएक्शन ऑब्वियस है. वो क्या करता है? आई रश्ड ऑन डेक. अब ये वर्ड जो है रश्ड, इसका मल्टीपल मीनिंग्स होता है. जैसे कहीं अगर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है तो बोलते हैं कि यहाँ बहुत रश है, यही स्पेलिंग रहता है. लेकिन वहाँ मीनिंग एकदम डिफरेंट, भीड़ भाड़ वाली जगह तो यहाँ बहुत रश है. मेट्रो में बहुत रश होता है, इंडियन रेलवेज के ट्रेन्स में बहुत रश होता है, मतलब ज़्यादा नंबर में. लेकिन यहाँ उसका ये मतलब नहीं है. यहाँ रश का मतलब है दौड़ कर जाना, जल्दी पहुँचना. यहाँ रश का ये मतलब है. तो कौन? नरेटर दौड़ के पहुँचता है कहाँ? डेक पर, फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप, डेक पे पहुंचता है. रश्ड मतलब दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई ये लिखा कि नरेटर गोज टू द डेक, अपने आंसर में लिखा कि नरेटर अपने बच्चों से वो आइलैंड के बारे में सुन करके नरेटर क्या करता है, नरेटर जाता है डेक पे, गोज टू द डेक या वेंट टू द डेक. तो गलत तो ये नहीं होगा, मगर रश्ड वर्ड अगर यूज करके बताया जाए इसी चीज को, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि उस टेक्स्ट बुक के वर्ड्स को बीच बीच में इस्तेमाल करने से टीचर के मन में ये इम्प्रेशन, इवैल्यूएटर के मन में ये इम्प्रेशन बनता है कि दिस स्टूडेंट हैज़ गॉन थ्रू द टेक्स्ट बुक, दैट इज़ व्हाई ही और शी इज़ यूजिंग सम एग्जैक्ट टिपिकल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तो रश्ड मतलब लगभग दौड़कर नरेटर जाते हैं डेक पर, फ्लोर ऑफ द शिप, डेक पर जाते हैं. एंड गेज्ड, अब ये देखो गेज्ड वर्ड है, ये भी बड़ा नया वर्ड है, सीखने लायक वर्ड है और बहुत इजी मतलब रखता है. और 11th के बाद 12th में भी और उसके आगे भी आपको ये वर्ड गेज वर्ड बहुत जगह आपको मिलेगा. तो इसमें तो टेंस के अनुसार पास्ट टेंस में लिखने के लिए डी लगाया है, वैसे जी ए जेड ई होता है वर्ड गेज, अगर डी लगा दिए तो गेज्ड हो गया, अगर आई एन जी लगा दिए तो गेजिंग हो गया. और इस गेज का सबसे इजी मतलब है लुक. ये जो वर्ड हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं ना, लुक एट दैट साइड, लुक एट दैट साइड, उधर देखो. तो लुक वर्ड जो यूज करते हैं, तो अब जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वर्ड्स के स्टैंडर्ड्स भी बढ़ने चाहिए. गेजिंग वर्ड सोचो कि कुछ लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों के लिए एकदम अजीब सा वर्ड होगा ये गेज्ड, इसका मतलब है लुक्ड. तो वो देखता है, वो दौड़ के जाता है डेक पर और गौर से देखता है विथ रिलीफ. उसको कितना
रिलीफ पहुंचा होगा नरेटर को, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, सिर्फ नरेटर ही कर बता सकता है कि उस समय उसको कितना रिलीफ मिला था। तो वो दौड़ के जाता है डेक पे और गौर से देखता है किसको, क्या देख करके रिलीफ मिलता है उसको। कॉमन सेंस की बात है, आइलैंड, वो टापू एम्स्टरडैम, वो देख करके ये रिलीफ होता है। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम, अब स्टार्क वर्ड लिख दिया है यहाँ, ये भी वर्ड जो है वो अच्छा वर्ड है। आउटलाइन तो हम लोग कॉमन वर्ड है ना, आउटलाइन जैसे इंडिया का मैप वो आउटलाइन हो गया, लेकिन ये स्टार्क आउटलाइन का क्या मतलब है, ये देखो नोट्स में आपको मैंने दे लिख दिया होगा। देखिए स्टार्क का मतलब क्लियर, साफ दिख रहा था सामने, आउटलाइन ऑफ द एम्स्टरडैम। खबर सुनने के बाद लेखक दौड़ पड़े, डेक पर गए और उनको बड़ी राहत हुई ये देख करके कि वहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा था एम्स्टरडैम आइलैंड। स्टार्क मतलब हो गया क्लियर, क्लियर दिखाई दे रहा था कि हाँ सामने आइलैंड है। अब एम्स्टरडैम आइलैंड के बारे में कुछ बातें टिपिकली बताई गई हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वी विल कम बैक, पॉज़।